चलो इधर ले जाएगा हम क्या ओके गिर जाएगा मैं कार के पास रुकी मैं हेलो जी आज के वीडियो में आपको काजोल देवगन के मिस कैरेज के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काजोल देवगन बॉलीवुड की एक एवरग्रीन एक्ट्रेस हैं और काजोल देवगन को लेकर उन्हें उनकी लाइफ के बारे में फैंस बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं। रिसेंटली काजोल देवगन ने पहली बार अपने इंटरव्यू में अपनी लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ, अपने मिस कैरेज, अपने डेटिंग फेज और अपनी बहुत सारी बातों के बारे में बात किया है और ऐसी बातें शेयर की हैं जो आज से पहले शायद उन्होंने कभी शेयर नहीं की होंगी। काजोल देवगन ने अपनी लव स्टोरी बताई कि अजय देवगन के साथ वो किस तरह से प्यार में पड़ी और किस तरह से उन्होंने डेट किया और फिर शादी के बंधन तक पहुंचे। और इसके बाद काजोल ने अपनी हार्टफुल मिस कैरेजेस के बारे में बात की। उनका कहना था कि शादी के बहुत शुरू में ही उनका मिस कैरेजेस हो गए थे, जो बहुत ज्यादा टफ टाइम था उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए। उनका कहना था कि जब वो कभी खुशी कभी गम के लास्ट पल को शूट कर रही थी तब वो प्रेग्नेंट थी। 2001 में वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया। उनका कहना था कि जिस दिन फिल्म रिलीज हुई और फिल्म का बहुत अच्छा प्रीमियर गया और फिल्म के बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज आए, फिल्म बहुत ज्यादा सुपर हिट गई, उस दिन वो हॉस्पिटल में थी अपने मिसकैरेज के कारण। उनका कहना था कि सब बहुत खुश थे उस टाइम फिल्म के बारे में लेकर और फिल्म के लिए मुझे बहुत सारी फोन कॉल्स भी आ रही थी, लेकिन वो टाइम मेरे लिए बिल्कुल भी खुशी का टाइम नहीं था। मैं उस टाइम बहुत ज्यादा पेन में थी, बहुत ज्यादा दर्द से गुजर रही थी और इमोशनली भी मैं बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं थी। उनका कहना था कि मिसकैरेज होना महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, स्पेशली मदर के लिए। उनका कहना था कि वो उस टाइम बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल नहीं थी और उन्हें कोई भी खुशी खुशी नहीं लग रही थी। उनको लग रहा था कि उनकी लाइफ यहीं पर ख़त्म हो गई है और ये उनकी लाइफ आगे कैसे बढ़ पाएगी। लेकिन उनका कहना था कि वो अब थैंकफुल है अपनी फैमिली के, जिन्होंने उस टफ टाइम में उन्हें इतना सपोर्ट किया और वो आज यहाँ तक जहाँ पहुँच पाई हैं वो सिर्फ अपनी फैमिली की सपोर्ट के बारे में पहुँच पाई हैं। आप काजोल देवगन के उस पुराने हर्टफुल टाइम के बारे में याद करके क्या कहना चाहेंगे और उन्हें क्या एडवाइस देंगे हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।